आओ मिलकर राष्ट्र को और मजबूत बनाएं। सबसे पहले अपना देश, तब हम सब। हम सभी देशवासियों को नौजवान साथियों से अपील है कि राष्ट्र को और मजबूत बनाना है और देश को विश्व गुरु बनाना है, तो आइए हम सभी लोग अपने देश के सच्चे मन भाव से देश में राष्ट्र को समर्पित होकर राष्ट्र की सेवा करें। फिर हम अपने को इतने अनुशासित रखें कि जब हम कहीं बाहर जाने के लिए निकलें तो हमारे ट्रेन का टाइम क्या है, हमारी बस का टाइम क्या है, हमारी फ्लाइट का टाइम क्या है, इस सब पर बड़े ध्यान से, गौर से अपने जाने की माध्यम के लिए जो समय लगता है उस सब को लेकर हम उसी के अनुसार घर से निकलें। हम लोगों का ये अवलोकन कि हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, ये बहुत ही महंगा पड़ जाता है कभी कभी। और आजकल तो बहुत से लोग ऐसे गलत उपयोगों में आ गए हैं कि वो अपनी ट्रेन, बस या फ्लाइट को देर कराने के लिए एक बहाना बनाते हैं और वो बहाना होता है देश के विरुद्ध उनका काम, और वो देश के विरुद्ध उनका काम होता है हॉक्स कॉल करना, झूठी कॉल करना, टेलीफोन करना और उसमें झूठी झूठी बातें बोलकर फ्लाइट, ट्रेन, बस को रोकने के लिए बाध्य करना। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस तरह की अफवाह, हॉक्स कॉल करना एक अपराध तो है ही, साथ साथ देश के प्रति आपका ये जो विद्रोह है, जो देश के प्रति आपकी जो गलत भावनाएं हैं उनके प्रति आप ऐसा ना करने की सोचना चाहिए। आप सब लोगों से अपील है कि इस तरह के कोई भी कार्य ना करें जिससे कि हमारे देश में जो ट्रेन, फ्लाइट या बसों का जो जाने का समय है वो आपकी गलत सूचनाओं के कारण उनमें व्यवधान हो और जो यात्री अपने सही समय पर जाने के लिए आ चुके हैं उनको समस्या का सामना करना पड़े। सरकार, नियम कानून, उनके अनुसार तो आपके ऊपर कार्रवाई करेगी और उससे आप छूट नहीं सकते हैं, परंतु ऐसा क्यों करने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, ज़रा आप 2 मिनट सोचिए। आपसे विनती और अपील है कि आप देश हित में, लोगों के हित में इस तरह की हॉक्स कॉल ना करें, ना करने की सोचें, ना करने के लिए किसी को बाध्य करें। स्वयं जो है इस पर विचार करें कि ये कितना नियम विरुद्ध, देश के कानून के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध है, और इस पर बिल्कुल ऐसा सोच कर कार्य करें कि हमें बहुत बड़ा ये अपराध हम करने जा रहे हैं, अतः इससे दूर रहकर देश की सेवा में लगें, देश की गति में लगें, देश को विकासशील बनाएं, देश को आगे बढ़ाएं, नई नई तकनीकों को देने की बात सोचें, वही आपकी सबसे बड़ी देश प्रेम होगा, देशभक्ति होगी और देश सेवा होगी। आइए हम सब लोग देश सेवा में लगें, देश की प्रकृति में लगें, ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे देश के कार्यकलापों के लिए बाधक हो, और ख़ास तौर से हमें हॉक्स कॉल, गलत सूचनाओं देने से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो कानून आपको अपने सिकंजे में पकड़ कर, जकड़ कर आपको
कठोर से कठोर दंड मिलेगा, मिल सकता है, सावधान होशियार। राजेश गुप्ता, ACCF, नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।